आप पोहा और उपमा ले सकती हैं। बस याद रखने वाली ये चीज है कि पोहा और उपमा में जो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से जीआई इंडेक्स उसकी बढ़ी हुई रहती है, तो ये जीआई इंडेक्स कम करने के लिए हमें उसमें आधे मात्रे में वेजिटेबल ऐड करने होंगे। मीन्स उसका रेशियो 1:1 होनी चाहिए, माने आधा चूड़ा और सूजी होगा और आधा ग्रीन वेजिटेबल होगा। या फिर दो रोटी चोकर वाली, मतलब आटे से जिसका फाइबर नहीं निकाला गया है वैसे आटे वाली दो रोटी सब्जी देसी घी के साथ आप ले सकती हैं। समटाइम्स अगर आपको चिला बनाने का इच्छा हो तो कोई भी अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बेसन, मूंग दाल, ये सब का बैटर बनाकर उसमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कर जैसे पालक साग, मेथी साग, धनिया पत्ता, ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड बीट रूट, ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, कुछ भी आप उसमें मिक्स करके चिला बनाकर हरी चटनी के साथ ले सकती हैं। अब अगर नेक्स्ट मिड डे मॉर्निंग की बात करिए तो आप फ्रूट्स की स्मूदी ले सकते हैं, बिकॉज स्मूदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओएस। फ्रूट्स नेचुरल सुगर फाइबर से भरपूर होते हैं, विटामिन और मिनरल से लोडेड रहते हैं, इसलिए आप कोई भी फ्रूट जिनका जीआई इंडेक्स कम है उसे आप ले सकते हैं। आप कोई भी फर्मेंटेड जूस जैसे गाजर, बीटरूट, ग्वावा, ये आप ले सकती हैं। फर्मेंटेड होने के कारण आपके बॉडी में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। So don't worry dear, I'm going to tell 5 very very important smoothie which can not only reduce your symptom but can remove your PCOS and PCOD completely from your body. Only things to be remember, we should consume only organic fibrous fruits and vegetables because fiber keeps your body mobile, flushes toxin and decreases your blood sugar level. So the smoothies and juices are, first है cranberry juice। यह जूस पोषक तत्व में बहुत धनी होते हैं, ये हमारे बॉडी के संक्रमण को दूर करके हमारे बॉडी को हेल्दी बनाती है। इससे UTI का इन्फेक्शन कम हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन को भी ये बेहद अच्छे से कम करती है। और हाँ, ये हमारे अच्छे हार्मोन को बढ़ाकर बेबी बर्थ में काफी हेल्प करती है और PCOD में जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ और पिंपल्स होते हैं उसकी भी जबरदस्त रोकथाम करती है। अब दूसरा है अजवाइन का जूस, ये हमारे शरीर के टॉक्सिन का सफाया करती है, संक्रमण को रोकती है। या दिस जूस हैज अ ग्रेट इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लींजिंग, अतः ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छे हैं। जिन महिलाओं को PCOS की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है उन सभी प्रेगनेंसी चाहने वाली महिलाओं को हर रोज अजवाइन का जूस लेना चाहिए। या दिस जूस हैज ग्रेट इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीनिंग, ये हमारे ओवरी के सिस्ट को बढ़ने से या फिर फैलने से रोकती है, ये आपके ओवरी के सिस्ट को ढीला करके नष्ट करती है, साथ ही साथ उसके आसपास के एरिया को पोषण प्रदान करती है और उसके ग्रोथ को तुरंत कम करती है। फिर इसलिए आप एक मुट्ठी अजवाइन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, नींबू का रस, काला नमक के साथ या फिर हरे अंगूर के साथ पीस करके पानी में मिलाकर आप उसके शरबत ले सकती है। अब तीसरा है अनानास का जूस और पाइनएप्पल स्मूदी। इस स्मूदी में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, मतलब आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये उस सूजन को कम करती है और इन्फेक्शन को दूर करती है। ये हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाती है और हाँ, PCOS में अनवांटेड जो हेयर ग्रोथ होता है उस हेयर ग्रोथ को भी कम करती है। ये PCOS की मूड स्विंग्स में भी काफी मददगार साबित होती है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होती है जो आपके मूड के चिड़चिड़ेपन को दूर करती है। और हाँ, आपको PCOS में जो मीठा खाने का क्रेविंग होता है इस क्रेविंग को भी कम करने में काफी सहायक होती है। अब फोर्थ है संतरे का जूस या फिर ऑरेंज स्मूदी। ऑरेंज इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो हमारे शरीर के बोन, गम्स एंड स्किन हेल्थ को प्रमोट करके हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को प्रदान करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये फल लो जीआई इंडेक्स के अंदर आती है, अतः आप ये फल को खुशी खुशी खा सकती है, लेकिन हाँ, उसके फाइबर्स के साथ, उसको अलग करके नहीं। आप ऑरेंज की जूस, स्मूदी, मिक्सचर कुछ भी ले सकती है। अब पांचवा है बेर का रस या फिर प्लम स्मूदी। व्हेन यू हैव PCOS द ब्लड शुगर गेट स्टोर्ड एज फैट। रिसर्चर्स सजेस्ट दैट प्लम जूस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द वुमेन विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपके शरीर के इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है और हेल्दी बैक्टीरिया को जन्म देता है। ये भी लो जीआई वाले एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में शामिल है, इसलिए आप 8 से 10 बेर थोड़ी सी नींबू के रस के साथ शरबत बनाकर या फिर मिक्सचर बनाकर, स्मूदी बनाकर ले सकती हैं। इसके अलावा आप केला, टमाटर, अमरूद, मशरूम, मिर्च, ब्रोकोली, सौंफ आदि के जूसेस भी ले सकती है। इसके अलावा एक बात और बताती हूँ, PCOS एंड PCOD पेशेंट में आयरन की भी भारी कमी देखी जाती है, तो इसे दूर करने के लिए आप अंकुरित दाने यानी स्प्राउट, पालक साग, पोरो साग, कच्चा केला, कद्दू का रस आदि ले सकती है। अब आते हैं लंच की बारी। लंच में आप सफेद चावल यानी व्हाइट राइस
और सफेद रोटी यानी व्हाइट ब्रेड नहीं ले सकती हैं। इन दोनों का जीआई इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों के जीआई इंडेक्स को कम करने के लिए आप व्हाइट ब्रेड की जगह में ब्राउन ब्रेड और व्हाइट राइस की जगह में ब्राउन राइस ले सकती हैं, क्योंकि ये ब्राउन राइस बहुत रिफाइंड नहीं होते और ये ब्राउन ब्रेड चोकर युक्त होते हैं जो आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। एक बात और बता दूं, मार्केट का जो आशीर्वाद आटा होता है उस आटे की रोटी भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो आटा डस्ट को हटा के एक्सट्रैक्ट को चोकर को हटा के ही पैक होते हैं। चोकर को हटा के पैक होने के कारण उसका जीआई इंडेक्स बढ़ा हुआ रहता है। इसके जगह में आप गोटा साबुत गेहूं के आटा जिसको चोकर के साथ ही पिसाया जाता है उस आटे की रोटी आप जरूर ले सकते। अगर आपको दोपहर के खाने में चावल चाहिए ही बर्दाश्त नहीं होता तो आप ब्राउन राइस बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स के साथ देसी घी के साथ ले सकती है। उसी तरह गोटे गेहूं के आटे के चोकर युक्त अगर आप रोटी लेती है बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल के साथ घी के साथ अगर आप खाती है तो उसका जीआई इंडेक्स और कम हो जाता है। सफेद गेहूं का आटा, सफेद चावल का आटा या फिर राई का आटा, इन सभी में ग्लूटेन पाया जाता है जो हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। इनकी जगह में आप ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीरा इसके आटे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है जो हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है। लेकिन हाँ, इसके मिक्सचर वाले आटे की रोटी आप नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर हाईली फाइबरस हो जाएगा जो आपको पेट को खराब करेगा और इनडाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, या फिर किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन के बढ़ जाने की भी संभावना देखी जाती है। इसलिए आप इसके मिलेट के सिंगल सिंगल आटे की रोटी अगर आप खाती हैं तो आपके पीसीओडी के सिम्टम रिड्यूस होंगे और हार्मोन भी जल्दी जल्दी बैलेंस होगा। मैं आपको फिर से कहूंगी कि आप ब्राउन चावल और ब्राउन रोटी के साथ ढेर सारी सब्जियां, सब्जी में लोबिया, राजमा, बरबट्टी सीप, गोटा चना, ये सब की सब्जियां आप लेकर के खा सकती हैं। बस इस मील में ये याद रखना होगा कि 1/4 आपके चावल या रोटी होनी चाहिए और 3/4 आपकी ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियां, सलाद होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये परफेक्ट डाइट होगा और तभी आपका इससे मन और पेट दोनों भरेगा। अब शाम के नाश्ते का समय आता है, वही 4 से 5 बजे का समय। इस समय आप भुना हुआ चना, भुना बादाम, भुना मखाना आदि ले सकती हैं। इन तीनों में बहुत अच्छे कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो आपके पीसीओएस एंड पीसीओडी के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इनके जगह में कभी कभी आप भिगा हुआ लाल चना, पिस्ता, किशमिश, उसके साथ गोटा मूंग, स्प्राउच वाला, वो भी आप मिक्स करके खा सकती हैं, क्योंकि ये स्प्राउच के लेने से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेंगे। समटाइम्स आप नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी इटसेल्फ ही मिनरल्स का भंडार होता है। नारियल पानी बहुत ही फिलिंग ऑप्शन है, कम से कम 1 से 2 घंटे आपको भूख बिल्कुल नहीं रहेगी, आपका बॉडी भी हाइड्रेट रहेगा। अब आते हैं डिनर यानी 8 से 9 बजे का समय। डिनर आपके 9 बजे के भीतर हो जाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह का नाश्ता दोपहर के खाने के कंपेयर में रात का खाना बहुत हल्का यानी फिर कम होना चाहिए, ताकि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल एक्टिव रहे, ठीक रहे और डाइजेशन इम्प्रूव हो। अगर आप शाम में स्प्राउच नहीं लिए हैं तो आप इसे रात में भी अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। समटाइम्स अगर आप एक कच्चा स्प्राउच नहीं ले सकती तो आप इसे हल्का बॉईल करके साथ बहुत सारे वेजिटेबल के साथ मिक्स करके खा सकती हैं। और कभी इस उबले हुए स्प्राउच के साथ आप फ्रूट्स भी मिला सकती हैं, जैसे गुआवा, पंपकिन, नारियल, एप्पल, कुछ भी आप मिला सकती हैं। और इन सैलेड में अगर आप सनफ्लावर सीड, सोया सीड, पंपकिन सीड अगर छींट के साथ खाती हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो आपके हार्मोन को जल्दी जल्दी बैलेंस करेगा। तो अब मैं इस वीडियो के एंडिंग पार्ट में आ गई हूँ और आपको फुल डे का डाइट प्लान देकर समझा चुकी हूँ कि आपको पीसीओएस में क्या खानी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पूरे दिन का डाइट चार्ट या फिर डाइट प्लान अगर आप अपना लेती हैं, मान लेती हैं, तो आप अपने शरीर से बहुत जल्दी पीसीओएस और पीसीओडी को रिमूव कर सकेंगी। ये मेरा चैलेंज है। अतः मैं सभी गर्ल से फिर कहूंगी कि आप लो जीआई वाले एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेती हैं या फिर डैश डाइट लेती हैं तो आप अपने पीसीओएस को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगी। ये डैश डाइट क्या होता है? डैश डाइट वो डाइट होता है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और उसमें सोडियम और नमक भी बहुत कम होते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट गर्ल्स, ये रोग को हम अपने जीभ को कंट्रोल करके, एक्टिविटी को बढ़ा करके, स्ट्रेस को कम करके इसकी जड़ से खात्मा कर सकते हैं। तो अंत में मैं अपने शब्दों को जोर देते हुए फिर से कहूंगी, अगर आपको ठीक होना है, अगर आपको बदनामी का सामना नहीं करना है, अगर आप कुरूप नहीं दिखना चाहती, अगर आप मोटी भद्दी नहीं दिखना चाहती हैं, तो आपको ये सारे मैनेजमेंट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। तो गर्ल्स, मैं जानती हूँ कि शाम के अनहेल्दी वाली डाइट वाली एडिक्शन को दूर करना बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, नामुमकिन तो नहीं है ना।
गर्ल्स बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको सलाह करूंगी कि प्लीज आप ये बात को मान लीजिए, तब आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपके मोटापे दूर हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, आपका हेयर जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, आप स्लिम एंड खूबसूरत फिर से हो जाएंगे। यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति होती है। मेरी अगली वीडियो पीसीओएस एंड पीसीओडी के ट्रीटमेंट पर जाएगी, जिसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही यूजफुल साबित होंगी और आपके शरीर से इस रोग को 100% दूर करने में, छुटकारा दिलाने में मददगार होंगी। गर्ल्स आपको पीसीओडी पीसीओएस में कोई भी क्वेरीज होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और अपने सारी मैटर को खुलकर बता सकती हैं। तो कुछ दिन के बाद आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।